नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको सच्ची और सनसनीखेज घटनाओं से हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। इसी के तहत आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह सुलझाया मध्य जिला पुलिस ने दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर में रहने वाली एक वरिष्ठ नागरिक की हत्या की गुत्थी को और पहुंचाया आरोपियों को सलाखों के पीछे। जानने के लिए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। ये है मध्य जिले में स्थित रंजीत नगर का पुलिस थाना। हमेशा की तरह यहाँ कार्य सामान्य गति से चल रहा था कि अचानक आए एक फोन से थाने की गतिविधि में तेजी आ गई और सब तरफ हाई अलर्ट का सा माहौल नजर आने लगा। दरअसल फोन के जरिए सूचना मिली थी कि ईस्ट पटेल नगर में रहने वाली एक वरिष्ठ नागरिक राजेंद्र कौर की उनके घर पर हत्या कर दी गई है। इस सूचना के आधार पर फौरन एक पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि एक महिला राजेंद्र कौर घर पर मृत अवस्था में पड़ी है। घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी खुली थी। देखने से लगता था कि शायद किसी ने लूटपाट के इरादे से ही उनकी हत्या की होगी। फौरन जांच पड़ताल और हत्या के सुराग ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी गई। हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सभी लोग हत्याकांड की चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी कि किसने किया होगा ये जघन्य हत्याकांड। मृतक महिला राजेंद्र कौर के पति अमरजीत सिंह खरबंदा ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि रिटायर होने के बाद वो एक कंपनी में कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं। हमेशा की तरह वो सुबह अपनी पत्नी को घर पर अकेले छोड़कर काम पर चले गए थे, लेकिन जब वो काम से घर पर लौटे तो उन्होंने घर का दरवाजा खुला पाया और अंदर आने पर अपनी बीवी को मृत अवस्था में देखा। उन्होंने फौरन इस बात की सूचना पुलिस को कर दी। पूछताछ के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर पर बद्री नारायण नाम का ड्राइवर काम करता है, जो हाल ही में छुट्टी लेकर अपने गाँव गया है। पुलिस ने आस पड़ोस में घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए काफी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को वारदात से जुड़ा कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। छानबीन के दौरान ये बात सामने आई कि घर के कीमती सामान के अलावा एक मोबाइल फोन भी चोरी हुआ है। पुलिस को इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में ये मोबाइल फोन काफी मददगार साबित हो सकता था, इसलिए पुलिस ने फौरन उस मोबाइल फोन को टेक्निकल सर्वेलेंस पर लगा दिया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। काफी समय बीत जाने के बाद भी बिना किसी सुराग के मामला आगे बढ़ता नहीं दिख रहा था, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और उस मोबाइल फोन को टेक्निकल सर्वेलेंस पर लगाए रखा ताकि उस मोबाइल फोन के जरिए कातिल तक पहुंचा जा सके। काफी दिनों बाद पुलिस का धैर्य और मेहनत उस समय रंग लाने लगी जब उन्हें उस मोबाइल फोन से कुछ सिग्नल प्राप्त हुए। टेक्निकल सर्वेलेंस पर लगे पुलिस कर्मियों ने इस बात की सूचना फौरन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। सर्वेलेंस के जरिए मोबाइल फोन की लोकेशन नोएडा पता चल रही थी। पुलिस के लिए ये सुराग काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए फौरन फोन करने वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए विभिन्न पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया। और उन्हें मामले से जुड़ी सभी जानकारी देने के बाद संभावित स्थान के लिए रवाना कर दिया गया। पुलिस ने संभावित स्थान पर पहुंचकर उस व्यक्ति को पहचानने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन इस सुराग से भी पुलिस का काम आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जिस जगह मोबाइल फोन ट्रेस किया गया था वहां पर कई फैक्ट्रियां चल रही थी और इनमें कई सौ कामगार काम करते थे। पुलिस के लिए कातिल तक पहुंचने का एकमात्र सहारा वो मोबाइल फोन ही था, इसलिए पुलिस ने एक एक कर उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ करनी शुरू कर दी।
कई दिनों तक पूछताछ करने के बाद भी पुलिस उस शख्स को खोजने में सफल नहीं हो पा रही थी। ये कार्य ऐसा ही प्रतीत हो रहा था मानो भूसे के ढेर से सुई को ढूंढना। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को एक सूचना मिली कि हत्या की वारदात में वहां एक फैक्ट्री में काम करने वाला ललित नाम का एक शख्स शामिल हो सकता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने ललित को ढूंढने के प्रयास शुरू कर दिए और आखिरकार पुलिस को फैक्ट्री के नजदीक वो शख्स बैठा मिल गया। पुलिस ने फौरन उसे भागने का कोई मौका दिए बिना चारों ओर से घेर लिया और उससे वही मोबाइल फोन और उस हत्या के बारे में पूछताछ की। पहले तो उसने हत्या के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और वरिष्ठ नागरिक रजिंदर कौर की हत्या में अपना और अपने साथियों का हाथ होना स्वीकार कर लिया। हत्या से जुड़े अन्य अभियुक्तों के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए अभियुक्त ललित को थाने लाया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ललित ने अपने दूसरे साथियों के बारे में जो कुछ भी बताया उससे सुन पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल हत्या की इस वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि रजिंदर कौर के घर पर ड्राइवर की नौकरी करने वाले शख्स बद्री नारायण कामत ने अंजाम दिया था और इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसके तीन और साथियों ने उसकी मदद की थी। ललित से मिली इस महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम ने मुख्य अभियुक्त बद्री नारायण के छिपने के ठिकाने पर छापा मारा और उसे धर दबोचा। साथ ही इसके एक और साथी सूरज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान मुख्य अभियुक्त बद्री नारायण ने पुलिस को बताया कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे मालूम था कि रजिंदर कौर और अमरजीत सिंह घर पर अकेले रहते हैं और अमरजीत सिंह के काम पर चले जाने के बाद घर पर रजिंदर कौर के अलावा कोई और नहीं होता। बद्री नारायण ने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर उस घर में लूटपाट के जरिए लाखों रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए एक योजना के तहत बद्री नारायण ने अमरजीत सिंह से अपने गांव जाने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी ले ली ताकि बाद में उस पर कोई शक ना करे। लूटपाट की इस योजना को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूसरे साथियों को भी तैयार कर लिया और एक दिन मौका देखकर अमरजीत सिंह के काम पर चले जाने के बाद बद्री नारायण अपने साथियों के साथ लूटपाट के इरादे से उनके घर आ पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर रजिंदर कौर ने बद्री नारायण को दरवाजे पर खड़ा पाया और उसके मंसूबों को जाने बिना दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बद्री नारायण अपने साथियों के साथ घर में घुस आया और रजिंदर कौर को बंधक बनाकर उनके शोर मचाने के डर से उनकी गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो अलमारी और घर पर रखी नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक घर पर ड्राइवर रखने से पहले अमरजीत सिंह ने बद्री नारायण का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करा रखा था, जिसे बद्रीनाथ के मन से यह भय दूर हो गया था कि पुलिस को बाद में अगर उस पर शक पैदा होता है तो कोई फोटो या पता ना हो पाने की वजह से पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। हमें अपने घर पर नौकर या ड्राइवर रखने से पहले पुलिस द्वारा उनकी जांच पड़ताल अवश्य करा लेनी चाहिए। अगर खरबंदा दंपत्ति ने अपने ड्राइवर का वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा करवा लिया होता तो शायद इस तरह की वारदात से बचा जा सकता था। पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम में उनका साथ दें और दिल्ली को सेफ और सिक्योर बनाने में उनकी मदद करें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें।
याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं, अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें, अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस की कार्य क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए चाणक्यपुरी स्थित बापू धाम में दिल्ली पुलिस के नए बनाए गए सिक्योरिटी मुख्यालय का पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने उद्घाटन किया। इस नई इमारत में तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिससे पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ेगी। यू ऑल नो दैट इट हैज गॉट अ वेरी लार्ज मैन पावर एंड फॉर सच अ सिक्योरिटी यूनिट दे ऑल दिस व्हाइल दे डिडंट हैव अ प्रॉपर हेडक्वार्टर्स टू वर्क विद। फाइनली वी हैव गॉट नाउ अ सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स वेयर द ऑफिसर्स एंड मेन कैन वर्क with some pride that they have got a proper setup to work in. पुलिस की इस पहल से दिल्ली की सुरक्षा को और भी मजबूती मिलेगी। दिल्ली पुलिस कल्याण सोसाइटी पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देती रहती है। इसी के तहत सोसाइटी के विकासपुरी स्थित सेंटर में ऊनी कपड़े बनाने के लिए एक कौशल विकास केंद्र, निट यान और इनको बेचने के लिए एक पोटा केबिन का निर्माण किया गया है। हाल ही में सोसाइटी की चेयरपर्सन प्रतिमा श्रीवास्तव द्वारा इनका उद्घाटन कर इन सुविधाओं का जायजा लिया गया। सोसाइटी के इस प्रयास से ऊनी कपड़े बनाने के काम में तेजी आएगी और पुलिस परिवारों की आय में वृद्धि होगी। इस मौके पर सोसाइटी की चेयरपर्सन ने समर कैंप और खाना खजाना प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। दिल्ली पुलिस की प्रखर पीसीआर मोबाइल वैन ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बड़े पैमाने पर दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में शराब तस्करी के धंधे में लगे हुए थे। टीकरी रोड स्थित निजामपुर इलाके के नजदीक पेट्रोलिंग करने के दौरान पुलिस को एक कार संदिग्ध अवस्था में आती हुई दिखाई दी। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और भागने लगा, लेकिन पुलिस ने कार का पीछा किया और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल कार को बरामद करते हुए अवैध शराब की 1904 बोतलें भी जब्त कर ली है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने लगातार 3 दिन तक जबरदस्त प्रयास कर दिल्ली के अलग अलग स्थानों से लूटे और झपटे गए 49 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जिला पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर चुराए गए ऐसे मोबाइल फोन के बारे में जानकारी जुटाई गई जो जिला क्षेत्र में सक्रिय थे। इसके बाद पुलिस टीम ने स्थानीय सूचना और तकनीकी जानकारी के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और तमाम मोबाइल फोन बरामद करने में कामयाबी हासिल की। द्वारका जिला पुलिस ने दो शातिर झपटमारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बड़े पैमाने पर मोबाइल झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने में जुटे थे। इलाके में हुई झपटमारी की एक शिकायत जिला पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके मद्देनजर पुलिस छानबीन में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने उत्तम नगर इलाके में इनके छिपने के ठिकाने पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीने गए 4 मोबाइल फोन जब्त करते हुए मोबाइल झपटमारी के 5 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं।
दिल्ली पुलिस की प्रखर पीसीआर मोबाइल वैन ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हमेशा शिकार की तलाश में रहता था और मौका मिलते ही मोबाइल छीनकर फरार हो जाता था। मंडौली क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने के दौरान पुलिसकर्मियों को टेम्पो ड्राइवर द्वारा एक शख्स का मोबाइल छीन लिए जाने की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर खोजबीन में जुटे पीसीआर वैन पुलिसकर्मियों ने टेम्पो का पीछा किया और आरोपी ड्राइवर को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शकरपुर इलाके में हथियारों के बल पर एक ज्वेलर से हुई लूटपाट की गुत्थी को सुलझाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्वेलर चंपक जब अपने कर्मचारी के साथ ऑटो से आनंद विहार बस अड्डे के लिए जा रहा था, तभी इन लुटेरों ने शकरपुर इलाके में ऑटो को घेर लिया, ज्वेलर पर हमला कर ज्वेलरी से भरा बैग छीन लिया। ज्वेलर के बारे में सारी सूचना करोल बाग में ही ज्वेलरी की शॉप चलाने वाले इनके साथी ने ही लुटेरों को दी थी। जांच पड़ताल में लगी पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर करोल बाग के बीएल कपूर हॉस्पिटल के पास से लूटपाट में शामिल दो आरोपियों को धर दबोचा। फिर इनकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 2 किलो सोना, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल सहित 7 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने जेब तराशी, लूटपाट, चपटमारी और हत्या की कोशिश के मामलों में शामिल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जेब कतरों का एक गिरोह वारदात को अंजाम देने के मकसद से बरार स्क्वायर में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछा दिया। मौके पर पुलिस ने एक शख्स को मोटरसाइकिल पर बैठे और उसके आसपास कई लोगों को खड़े हुए देखा। मुखबिर से पुख्ता होने पर कि वही जेब कतरे हैं जो जेब तराशी को अंजाम दिया करते हैं, पुलिस ने इन्हें घेर लिया और भागने का कोई भी मौका दिए बिना धर दबोचा। इनके पकड़े जाने से पुलिस ने विभिन्न थानों में दर्जनों मामलों को सुलझा लिया है। पुलिस ने इनके पास से 35 मोबाइल फोन, 2 चाकू और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने बिग बैश क्रिकेट लीग में सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 सट्टेबाजों सूरज शर्मा और राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोशनारा रोड स्थित संभावित जगह से ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे क्रिकेट लीग में सट्टा लगाया जा रहा है। इस आधार पर पुलिस ने उस मकान में दबिश दी और वहां सट्टा लगा रहे दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 1 LED टीवी और सट्टे से जुड़े अन्य सामान भी जब्त कर लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने सोनिया विहार इलाके में हुई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को 36 घंटों के भीतर ही सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक शख्स की लाश एक खाली जमीन पर पड़ी हुई मिली थी। कड़ी छानबीन के बाद मृतक की पहचान सुनील वर्मा के रूप में हुई। आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगालने पर पुलिस को वारदात वाली जगह पर एक संदिग्ध कार दिखाई दी। कार की पहचान हो जाने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को दिल्ली के सभापुर गांव से धर दबोचा। पूछताछ में इन्होंने बताया कि वो दोनों उस जगह कार में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक शख्स को वहां से गुजरते हुए देखा, जिसे उन्होंने चोर समझकर पकड़ लिया, जिसकी उन्होंने लाठी डंडों से काफी बेरहमी से पिटाई की। बाद में मरा हुआ समझकर वो वहीं फेंक कर चले गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। दक्षिण जिला पुलिस ने 2 सेंधमारों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी एक दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने में लगे थे। तभी दुकान का मालिक वहां पहुंच गया और उसने शोर मचा दिया। घबराकर दोनों सेंधमार पिकअप कार में भागने लगे। तभी वहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम शोर सुनकर घटनास्थल पर पहुंच गई।
बिना कोई देरी किए पुलिस टीम ने सेंधमारों का पीछा किया और उन्हें धर दबोचा। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान नितेश और राहुल के रूप में हुई। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिकअप कार भी जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लोगों को अपनी कंपनी में निवेश कर एक साल में दोगुना पैसा कमाने का लालच देकर करोड़ों ठगने वाले एक आरोपी निखिल मिश्रा को गिरफ्तार किया है। ठगी में शामिल दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी लोगों को रियल स्टेट में निवेश करने को कहते और काफी कम समय में पैसा डबल करने का लालच देते। ऐसे ही इनके झांसे में आए लोगों ने जब इनकी कंपनी के बारे में पता किया तो वो फर्जी निकली। ठगी का एहसास होने पर इन्होंने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। अभी तक पुलिस ठगी में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अपनी ही सवारी का मोबाइल फोन चुराने के आरोप में दक्षिण जिला पुलिस ने एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। एक महिला ने नेपसराय इलाके में ऑटो चालक द्वारा उसका मोबाइल चुराए जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी आधार पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस सीसीटीवी से मिली फुटेज और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर ऑटो चालक के घर का पता ढूंढने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारकर इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चुराया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। हाईवे डकैतों के आजाद गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने तीन खतरनाक डकैतों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों द्वारा बहुत ही कम समय में एक के बाद एक डकैती और लूट की कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया गया था। इसी के मद्देनजर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। छानबीन की इसी प्रक्रिया में पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की और अपने अन्य सूत्र भी सक्रिय कर दिए थे। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि डकैती की वारदात में शामिल एक संभावित आरोपी किसी से मिलने शाहदरा इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने बताए गए स्थान पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल दो मोटरसाइकिल, दो पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद करते हुए लूट और डकैती के 14 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की मेट्रो शाखा ने मेट्रो रेल के अंदर धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन ठगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने बिहार जाने वाले एक शख्स को अपने जाल में फंसाया और उसे रेलवे में अपने रिश्तेदार के होने का हवाला देकर मुफ्त में अपने साथ ले जाने का झांसा दिया और INA मेट्रो पर ठग लिया। लेकिन पीड़ित शख्स समय रहते इनकी चाल को समझ गया, जिसके बाद उसने शोर मचा दिया। इसी बीच स्टेशन पर मौजूद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और तीनों आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगे गए 2000 रुपए, 5 मोबाइल फोन और एक ट्रॉली बैग बरामद करते हुए ठगी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। अवैध शराब तस्करी में लगे एक आरोपी रामपाल को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामपाल हरियाणा से शराब लाकर दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में सप्लाई करने के धंधे में लगा हुआ था। शराब छिपाकर सप्लाई करने के लिए कार का इस्तेमाल करता था। इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को एक कार बड़ी तेजी से ढासा बॉर्डर से नजफगढ़ की तरफ आती हुई दिखाई दी। कार संदिग्ध लगने पर पुलिस ने इसे रुकने का इशारा किया, लेकिन कार बिना रुके ही तेजी से निकल गई। पुलिस टीम ने पीछा कर इसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर आरोपी की पहचान रामपाल के रूप में हुई और कार की तलाशी लेने पर इसमें शराब मिली। इसी आधार पर पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार करते हुए 29 कार्टन शराब सहित शराब इस्तेमाल में कार भी जब्त कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
बेटा आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।